जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय मुरादाबाद और धरना प्रदर्शन शिव सैनिक जनपद मैनपुरी कोतवाली मैनपुरी में दर्ज 367/18 धारा 302 की सीबीआई से जांच कराने नामजद सौरभ व तेज प्रकाश की तत्काल गिरफ्तारी व मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपए का मुआवजा व सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग करते हैं। लखनऊ के तिवारी हत्याकांड की तरफ 22 मार्च को कोतवाली मैनपुरी क्षेत्र में संजीव कश्यप की बाइक सिपाहियों की बाइक से टच हो जाने पर सौरभ व तेज प्रकाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। घोषणा करने के बाद भी प्रशासन ने न तो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और न ही कोई भी अभियुक्त आज तक गिरफ्तार किया, बल्कि एक निर्दोष को जेल भेज दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या तिवारी ही इंसान था? क्या उसके अंदर ही लाल खून था? क्या संजीव कश्यप इंसान नहीं था? क्या संजीव कश्यप के अंदर लाल खून नहीं था? यदि दोनों ही इंसान थे तो दोनों में ही लाल खून था, तो फिर संजीव कश्यप को समान न्याय क्यों नहीं? अदा शिव सैनिक कोतवाली मैनपुरी में दर्ज 367/18 धारा 302 IPC के अभियुक्त सौरभ व तेज प्रकाश की काल गिरफ्तारी, मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपए का मुआवजा व सरकारी नौकरी के साथ नोएडा के जितेंद्र यादव, मेरठ के सुमित गुर्जर, आजमगढ़ के मुकेश राजभर, अलीगढ़ के नौसाद और मुस्लिम आदि के फेक इनकाउंटर की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं, अन्यथा शिव सैनिकों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में रामचंद्र मेहरा, मोहर सिंह, मंजू राठौर, ममता गुप्ता, राजवला तुरैया, गुड्डू सैनी, मनोज कुमार, प्रीतम सैनी, जोगिंद्र सैनी, महेश शर्मा, टीटू कश्यप, डॉक्टर प्रकाश, वीर बिश्नोई, दीपू ठाकर, मुन्नी देवी, विमल सागर, राजू सैनी, रामतार सागर, नसीम हुसैन, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद रफी, अजय सैनी, प्रेम ठाकुर, मिथिलेश गुप्ता, मिथिलेश कश्यप, प्रमोद सागर आदि लोग मौजूद रहे। जय शिवाजी, जय शिवाजी, उठाइए ना हाथ। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, देव सेना जिंदाबाद, देव सेना जिंदाबाद, देव सेना जिंदाबाद, देव सेना जिंदाबाद। योगी सरकार, 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 शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित ज्ञापन में जनपद मैनपुरी कोतवाली मैनपुरी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 367/18 धारा 302 की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। ज्ञात होगी तिवारी हत्याकांड की तरह ही जनपद मैनपुरी में कोतवाली मैनपुरी में संजीव कश्यप की बाइक सिपाहियों की बाइक से टच हो जाने पर सिपाही सौरभ, सिपाही तेज प्रकाश ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहां के प्रशासन द्वारा 5 लाख मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन ना तो आज तक मुआवजा दिया गया है, ना ही किसी भी सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से पूछना चाहता हूं, क्या तिवारी जी इंसान था? क्या तिवारी के अंदर ही लाल खून था? क्या संजीव कश्यप इंसान नहीं था? क्या संजीव कश्यप के अंदर लाल खून नहीं था? इंसान थे और दोनों के अंदर ही लाल खून था, तो दोनों को समान न्याय क्यों नहीं दिया गया? संजीव कश्यप को समान न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा? अतः शिव सैनिक मांग करते हैं जनपद मैनपुरी के संजीव कश्यप, नोएडा के जितेंद्र यादव, मेरठ के सुमित गुर्जर, आजमगढ़ के मुकेश राजभर व अलीगढ़ के नौसाद और मुस्तकीम के फेक एनकाउंटर की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। 50 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग करते हैं तथा उनके परिवार को भी नौकरी दिए जाने की मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।